गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मुंबई से लेकर दिल्ली तक नाम इसका जीत बॉय गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है, नॉइस पोल्यूशन होने वाली है, वो छोड़ो ठीक है, उसको अवॉइड करो और अपनी आज का व्लॉग होने वाला है। सो भाई ने बाइक को बहुत ज्यादा मॉडिफाई और एकदम तगड़ा बना रखा है, लुक तो देख रहे हो गाइस। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ठीक है, और भाई को भी कर देना, भाई का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ठीक है, यूट्यूब चैनल ठीक है, और भाई का भी सबसे पहले कर देना, मेरा बाद में करना, भाई का पहले करना ठीक है। भाई ने बहुत मेहनत की है इस बाइक के ऊपर ठीक है। तो भाई मतलब इसको क्यों मॉडिफाई करवाया आपने, वो बताओ सबसे पहले। तो इसको मॉडिफाई कराने का एक ही रीजन था, 150 सीसी इंजन है इसके अंदर, और इसकी पावर एकदम KTM 125 सीसी के बराबर है ठीक है ना, भागने में एक नंबर, पिकअप में एक नंबर, एवरेज में भी एक नंबर है। एवरेज अभी सेट करवाया इसका, अभी अच्छा नहीं दे रही थी, पर अब अच्छा करवा दिया इसका एवरेज भी, तो दे देती है लगभग हाईवे पे 60 से 65 का, और मार्केट में दे देती है 50 से 55 का ठीक है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, और पीछे का व्हील दिखा दो, इतना थोड़ा है जितना है ना, मतलब R1 में आता है उससे थोड़ा कम है, पर वैसे ये व्हील दिखा दो कितना थोड़ा है, ये देखो नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा है। इसको मॉडिफाई कराने का ये था कि ये मेरी फैमिली मतलब बहुत पुरानी बाइक है, इसको 10 से 12 साल हो गए मेरे को यूज़ करते करते, और इसको मतलब इसी से मेरे व्यू आने चालू हुए, मतलब इसी से मेरी शुरुआत हुई यूट्यूब की। YouTube की तो पहले से कर रहा था 2017 से, मगर इससे मैं वायरल हुआ ठीक है ना। और भाई के अभी 5000 सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट हुए ठीक है, आप ब्लॉग देखोगे तब तक तो ऊपर हो जाएंगे अभी, और भाई के आज ही 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए इसी बाइक से ठीक है। इसके अंदर मेरे को मॉडिफिकेशन में मैंने धीरे धीरे काम करवाया था, तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया था। और इसके अंदर क्या है कि ये मरकाट मैंने बताया था मेरी ब्लॉग में जाके आप देख सकते हो, सक्सेस नहीं था तो मैंने हटा दिया, ये पूरा वीडियो तुम ब्लॉग में जाके देखना। और वैसे इस बाइक के अंदर और भी बहुत सारा मैंने काम कराया, क्योंकि ये डिजिटल मीटर है, ये कंपनी का मीटर मैंने दोबारा वापस इसलिए लगवाया क्योंकि है ना एवरेज चेक करने के लिए कि बाइक कितना एवरेज दे रही है। अभी मैंने वायरिंग हटा रखी इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि है ना वायर शॉर्ट हो रहा है, वायर भी दिखा दो यार, पूरे मतलब कट चुके हैं। बाइक तो एकदम बॉम्ब दिख रही है ठीक है, भाई ने एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम बॉम्ब बना रखी ठीक है। और मॉडिफिकेशन के मतलब इसमें जैसे कि देखो लाइटिंग की मॉडिफिकेशन, सेकेंडली मीटर की मॉडिफिकेशन, सारी एकदम बॉम्ब नंबर है ठीक है। और सेकेंडली मेन बात क्या पता है कि भाई ने इसमें 30 से 35 हज़ार का खर्चा कर रखा है, 13 to 35 thousand का खर्चा कर रखा है, और अभी भी भाई बोल रहा है उसको सेकेंड हैंड भी ले सकता था भाई, नई बाइक भी ले सकता था, पर एक हाथ से बना तो बहुत फर्क करता है ठीक है। और अभी सबसे पहले कि इसको चेक करते थोड़ी राइडिंग करके तो कैसी लग रही है ठीक है। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जीत बॉय का सपोर्ट करो ठीक है, नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, और भाई का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो भाई को भी सब्सक्राइब करो ठीक है। लव यू फैम, कीप सपोर्टिंग, जल्दी मिलते हैं।